चलिए सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। आप सभी वीडियो देख लेना, ठीक। एक्सेल भी आप एक्सेस, अरे एक्सेस का बैच थोड़ी ना है ये, एक्सेल का बैच है, एक्सेल ही चलेगा। एक्सेस शाम को 6 बजे चल रहा है और नहीं चल रहा, और 9:30 बजे था तो वो एंड हो गया, इंटरनेट हो गया उसमें शाम को। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रुप है क्लिप बोर्ड ग्रुप, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है कट। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। अब कट तो आप सभी को पता है क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट कट किया है वहां से रिमूव हो जाता है, और जहां कहीं आप पेस्ट करते हैं वहां पे वो टेक्स्ट आ जाता है। याद रखना है ये कॉलम है जो ABCD लिखी है, ये रो है जो 1 2 3 रख लिखी है। रो और कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है, ठीक है। अब टेक्स्ट में अपन कुछ लिखने, सॉरी सेल में अपन कुछ लिखने, ये लिख दिया हमने। अब आप देख रहे हैं अपन ने लिखा तो इसे सी वाले कॉलम में था, बट ये कहाँ तक जा रहा है? डी वाले में और ई वाले कॉलम में जा रहा है। अब ये इसकी जो लाइन है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो डेटा जितने में होगा ना उतना बड़ा उसका साइज ले लेगा। एक और तरीका वो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका है कट, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस पे एक ग्रीन ग्रीन क्या आ रही है, आउटलाइन टाइप में आ रही है, राउंड राउंड हो रही है, मतलब वो क्या हो गया, आपका टेक्स्ट कट हो गया है। अब आपको इसको जहां कहीं भी लेना है वहां पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, जैसे नीचे लेना है पेस्ट है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए वहां से वो रिमूव होकर यहाँ आ गया। ये होता है आपका कट और पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉपी पेस्ट। तो अभी आप देखा ये पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपका टेक्स्ट कट भी नहीं है और कॉपी भी नहीं है। तो पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट क्या करना रहेगा, कॉपी का सॉरी कॉपी करना रहेगा या फिर कट करना रहेगा। तो कट तो अपन ने कर लिया, अब अपन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब आपको जहां कहीं भी लेना है कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। समय यहाँ पे नीचे लिया तो आप देखा यहाँ पे पेस्ट हो गया, या फिर आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज होता है जैसे आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर ली टेक्स्ट में, और सेम फॉर्मेटिंग वही आपको दूसरे किसी में और टेक्स्ट में करनी है, तो अपन किसका यूज करते हैं? इसका। आप में से किसी की बाइक रखी है क्या बीच में? ठीक है कोई बात नहीं, किसी और की होगी, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए पहले अपन फ्रंट ग्रुप में थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बाद में अपन फ्रंट ग्रुप करेंगे। अभी हम नॉर्मल इसमें क्या कर देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, ये फिल कलर कर देते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यही सेम फॉर्मेटिंग आपको इसमें देनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई आपकी इसमें, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एक ही बार अप्लाई कर पाए आप, और आपका माउस पॉइंटर जो था वो ब्रश के साइन में चेंज हो जाएगा, वो आपका अप्लाई होकर फिर रिमूव हो जाएगा। आप चाहते हैं कि परमानेंट वो रहे, जितने में आपको फॉर्मेटिंग करनी है तब तक वो रहे, तो आप क्या करते हैं इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेंगे और इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। देखिए अब आपका है, और कहीं भी करेंगे ना वो आपका माउस पॉइंटर के साथ नहीं ब्रश का साइन रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने ये डबल क्लिक किया है, और आपको ये रिमूव करना है तो इस ऑप्शन को आप अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है नीचे ये डबल क्लिक वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं हो किसी किसी सिस्टम में, हो सकता है, तो ठीक पक्का नहीं कह सकते हो भी जाए नहीं भी हो, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप आ जाएगा आप सभी को, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्रंट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो आपने एमएस वर्ड में किए हुए थे, ठीक है। आपका यहाँ पे फर्स्ट है फॉन्ट, आपको इसकी फॉन्ट चेंज करना है,
ये जो इसी को सेलेक्ट है, आपको जिसका भी फॉन्ट सेलेक्ट करना है पहले उसको आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने, अब इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है आपको। आप क्या करेंगे, फॉन्ट के ड्रॉप डाउनर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट लेना है आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे ना, तो बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जो भी फॉन्ट लेना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अपन वो बीटी वाला लेते हैं, वेल एम्प्टी, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फॉन्ट साइज, तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा करना हो। मोर ऑप्शन नहीं दिया इसमें, इतने ही है, ओनली 72 तक ही दिया है। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहती हैं तो यहाँ पे आप टाइप कर दें तो वो 80 हो जाएगा। देखिए हो गया 80, बट लेकिन यहाँ तक आपको साइज मिल रहा है 72। इससे ज्यादा बड़ा करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा, तो अपन नॉर्मली ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज से फॉन्ट का साइज बड़ा होता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज से फॉन्ट का साइज छोटा होता है। इसमें आपको शॉर्टकट की नहीं दी गई है, जो कि एमएस वर्ड में दी गई थी। शॉर्टकट की क्या होता है, कीबोर्ड से, हाँ क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज बड़ा होता है, मतलब इंक्रीज होता है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट का साइज छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड करेंगे तो आपका डार्क टेक्स्ट हो जाएगा, थोड़ा टेक्स्ट जो है वो डार्क में आ जाएगा, थोड़ा मोटा टाइप में आ जाएगा। और अगर आपको नॉर्मली करना है तो आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इटैलिक, इटैलिक पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, थोड़े टेढ़े वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, तिरछे वर्ड में। आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली आ जाएगा। आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कंट्रोल बी किया तो देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया, कंट्रोल आई किया तो क्या हो जाएगा, इटैलिक। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर अनसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बी से अनबोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई से अनइटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगी। जिस शॉर्टकट की से आप अप्लाई करेंगे उसी से आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन भी मिलती है, एक डबल अंडरलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा मोटे में रहेगी, डबल में आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ से सिंगल में नहीं लेंगे तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलते हैं बॉर्डर्स के लिए, तो ये ऑप्शन हम अभी थोड़ी देर से बताते हैं। उससे पहले हम ये फिल कलर और फॉन्ट कलर बता दें, ठीक है। फिल कलर होता है, आप इसके ड्रॉप डाउनर पर क्लिक करेंगे, जो आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर वो कलर फिल होता है उसमें, तो आपको यहाँ से जिस भी कलर को फिल करना है आप यहाँ से वो कलर दे सकते हैं, तो वो कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद नो फिल करेंगे, यहाँ पे भी कलर्स मिलते हैं कुछ, आपको नो फिल करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। अगर और भी अदर कलर लेने तो मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे, जैसे आप मोर कलर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और कस्टम कलर मिलते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू में वो डार्क बता रहा है, लाइट करना है तो आप वो कस्टम कलर से कर सकते हैं, ठीक है। डार्क लाइट जितना भी करना है वो आप कस्टम कलर से करके वो करेंगे तो वो कलर आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसमें फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर लेना हो तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही आपको स्टैंडर्ड और कस्टम कलर मिलते हैं, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसका, बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर्स। आपको इसमें बॉर्डर लेनी है, अभी आप देख रहे हैं लाइट में आ रही है आपकी बॉर्डर, जैसे इतने एरिया में आपको बॉर्डर लेनी है, इतना एरिया आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर के ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे की साइड बॉर्डर आएगी। देखिए नीचे आ गई डार्क में आपकी, जितना एरिया सेलेक्ट था उसके नीचे आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद टॉप में लेनी है तो टॉप में लेफ्ट राइट लेनी हो जिसमें भी, ऑल करेंगे तो आप यहाँ पे ऑल में आ जाएंगे, तो आप देख रहे डार्क में दिख रही थोड़ी बॉर्डर आपको, ठीक है। इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, रिमूव करना है तो जहां से आपने अप्लाई किया था वहां से आप नो कर देंगे तो